इसके लिए हमने पूरे रात मेहनत करी कि हमें मिल के आना है। करी मिलाओ, ये देखिए मित्रता, ये हिरन और इंसान का मित्रता, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, एक ये गांव में ही देखने को मिलता है। ये देखिए किस तरीके से इनके जो है सीने के ऊपर ये चढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि छोटा बच्चा है, आपसे प्यार मांग रहा है ना ऐसा जी। अगर दो दिन इससे आपको बिछड़ के अगर कोई पकड़ के इसको ले जाए लग जाए तो आप इसके बगैर रह पाएंगे नहीं? नहीं, हम दो चार दिन तो नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, धीरे धीरे अपना बन चले जाएंगे उनके पास। देखना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? ऐसा करते बहुत ही अच्छा हो चुका है मॉर्निंग का टाइम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कानपुर में आ चुके हैं, तो अभी हमारे अजय भैया आने वाले रिसीव करने के लिए उनका वेट कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं है। और इस साइड का सामने वाला रास्ता ब्लॉक हो गया, बहुत ही ज्यादा कचरा है, आने में बहुत कष्ट होता है। हमको निकलना है बरेली के लिए, तो दिक्कत ये है कि अभी तक नींद हमारा पूरा हुआ नहीं है और थोड़ा सा कानपुरिया स्टाइल में यहाँ ढल जाते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा मन लगता है कानपुर में, थोड़ा बचपन से यहाँ रहे ना, इसीलिए सामने घंटाघर पड़ जाता है। यहाँ से आपको कानपुर में जहाँ भी आपको जाना है, गांव सिटी जिस जगह भी जाना होगा, तो इस जगह से ऑटो आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा। और साइड में होटल भी पड़ जाता है स्टेशन के बगल में, खाना वगैरह खाने के लिए। वो देखिए घंटाघर, ये इसी को घंटाघर बोलते हैं कानपुर से, अगर आप लोग होंगे तो ये जानते ही होगा। बारिश का बहुत ही तेज़ी बड़ा माहौल था, बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर ना कचरा जमा हुआ है। कानपुर में एक चीज़ हमें समझ में नहीं आता, जो भी इमारतें बनी होती है, होटल वगैरह भी स्टेशन के बगल में बना हुआ होता है, वो बहुत ही पुराने ज़माने के टाइप में शेप में बना होता है। जैसे देखिए वो घर ही देख लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना स्टेशन का, आप एक मैं आपको फ़ोटो लगा दूँ, ले नहीं पाया क्योंकि घंटा करके उस साइड में जाते, अपोजिट साइड में जाते तो वहाँ पर देखने को मिलता, बहुत ही प्यारा सा है, मतलब इस तरीके से कुछ बना हुआ है। ये तो होटल है, ये स्टेशन नहीं है। तो ये पुराने ज़माने के स्टाइल को लेकर के आप लोग कमेंट करके बताना। ये देखिए आधा घंटा बाद भैया हमको ढूंढे हैं, कहाँ चले गए? उधर रास्ता बंद था गुरु, माँ गए हैं यहाँ पे इनको तंग करने के लिए। अभी चलते हैं घर पे। सर कैसे हैं? सर बढ़िया है। हम अभी सोए नहीं है, नींद पूरा नहीं हुआ। चलो आई सर, तो अभी अजय भैया के घर पे हम आ चुके हैं और भैया वीडियो देख रहे हैं एसटीएम साहिबा वाली, जो भी बहुत सारी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो भैया अभी चेक कर रहे हैं कि कौन जगह पे कौन से लोकेशन पे जाना है ना। तो जस्ट अभी वीडियो को अपलोडिंग किए हैं मस्त वाला, और यहाँ पे खाना निकला हुआ है, मम्मी जी खाना निकाली है अभी मस्त। क्या चीज़ का है अजय? कटहल की सब्जी है, आलू की सब्जी है मस्त वाला। तो हमारे भैया खाते हैं, मस्त खाना वगैरह खा चुके हैं, अभी जाना। ये वाला शर्ट है, तो आपकी भाभी जी ने ये शर्ट दिया था, तो ये जो है ना मतलब थोड़ा हमसे ज़्यादा फैला हुआ है, यानी डबल एक्सल से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इसको कसवा देते हैं जा कर के। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग वगैरह करेंगे ना। एक शर्ट हमने रखा था वाइट वाला, वो शायद घर पे ही रखा रहेगा, हम बैग में रख ही नहीं पाए, ठीक है। तो ये वाला बच्चा, इसको ना थोड़ा सा टाइट करवा लेंगे थोड़ा फिर। तो दोस्तों जैसे अभी मार्केट निकलने की कोशिश किए, तेज़ बारिश होना शुरू हो गया। देखिए अब निकले से निकले कैसे, बड़ी मुश्किल से बारिश छुट्टी है। अभी जा रहे हैं हम लोग हमीरपुर, आप एक ऐसा अजूबा और अनोखा मैंने काफ़ी पहले हमने देखा है, और बहुत सारे पत्रकार यूट्यूबर्स वीडियो वहां का डाल रखे हैं, तो मैंने भी सोचा कि आपको कुछ दिखा दिया जाए। इंसान से भी बढ़कर के आपको एक जानवर का प्रेम देखने को मिलेगा, जैसे आरी भैया और सारस का था। फिर हम और अजय भैया ने मिलकर के प्लान बनाया कि चलो क्यों ना चला जाए और आप लोग को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके दिखाए कि एक कुत्ता और एक हिरन किस तरीके से दोस्ती करके जो है साथ में रहते हैं, साथ में सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बाकी ये वाला लोकेशन आप लोग कमेंट करके बताओ कि किस जगह का है, अगर आप लोग खास करके कानपुर से हो तो। रास्ते में चलते चलते ऐसा हो गया ना कि बहुत जोर से नींद आ रहा है, नींद आने के कारण ऐसा हुआ कि बाइक से अचानक गिरने का मन ऐसा जैसा होता है, मतलब तो बाइक जो है ना टकमगाती जैसी हो रही है। चला भैया रहे हैं लेकिन हिल हम रहे थे, तो रास्ते में सोचा कि चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। अभी तक तो थोड़ा सा भी सोया नहीं है, बस ब्लॉग करना है सिर्फ सिर्फ आप लोग के लिए, तो अभी सो जाएंगे वहाँ जा करके फिर नुकसान हो जाएगा, ब्लॉग नहीं कर पाएंगे। रास्ते में चलते चलते देखिए कितना तेज़ बारिश हो रहा है, आज लगता है जा नहीं पाएंगे, मात्र आधे एक घंटा का रास्ता बचा हुआ है यहाँ से, और बारिश महाराज जी। हे इंद्रधनुष भगवान जी,
बंद कर दीजिए, इम्पोर्टेंट व्लॉग शूट करने जाते हैं तो ऐसा ही करते हैं आप, फिर हम परेशानी में पड़ जाएंगे। एक छोटी सी समस्या आ गई, अभी हम लोग फाइनली हमीरपुर में पहुंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ से करीबन 100 से 150 किलोमीटर फिर से दूरी तय करना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग हमीरपुर में आए थे, हम सोचे थे इधर मतलब गांव वगैरह में होगा तो पूछ लेंगे, वहाँ जाके आराम से अपना आप लोग को अच्छे तरीके से व्लॉग व्लॉग करके दिखा देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लेट होगा तो वहीं कोई होटल रेस्टोरेंट में रुक जाएंगे, फिर कल मॉर्निंग में इस व्लॉग को कंटिन्यू करके व्लॉग पोस्ट करेंगे। चलो, रानी लक्ष्मी बाई पार्क है यहाँ पे, ये देखें, यहाँ से कोई आए तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर यहाँ से 88 किलोमीटर बचा है राठ के लिए, फिर उसके बाद फिर उनके गांव के लिए भी जाना है। अभी थोड़ा सा गुलगप्पा वगैरह खाया, धूप इतनी तेज़ हो रही ना, शाम के 5 बज रहे हैं। देखिए भैया को देखिए, पैर धुल रहे हैं। तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। एक अलग ही मजा आ रहा है। अभी लगभग हमें कम से कम 50 किलोमीटर जाना है ना अजय? 50 किलोमीटर अभी जाना है हमें, वहाँ जा कर के उनको ढूंढना है, तब जाके ब्लॉग करना है, फिर उसके बाद आज तो रात हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है। यही टर्निंग है, इसी से मिलते चलेंगे। ये 31 किलोमीटर और चलना है, देखिए आप ढूंढते ढूंढते पूरा दिन सभी लोगों से पूछते पूछते परेशान हो गए। पहाड़ है यार भैया, पहाड़ है। हाँ पहाड़ है, वापसी लौटेंगे वीडियो बना लेंगे यार, बोल रहे थे पहाड़ एरिया है ये, देखिएगा इस पहाड़, जब वापसी लौटेंगे तो यहाँ आके वीडियो शूट कर लेंगे मॉर्निंग के टाइम। ये जर्नी गाइज हम लोग को 300 किलोमीटर से ज़्यादा रहा, देखो आंखों में कुछ पड़ गया, आराम से आराम से। अभी दोस्तों पूरा गांव वाले इलाका में आ गए हैं, और अभी कम से कम हम लोग को समझिए कि 28 किलोमीटर करीबन और चलना है, और बहुत कष्ट हुए आज, जो हम जिसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए थोड़ा थोड़ा आप लोग को बताते जा रहे हैं। अभी सीधा, हाँ सीधा चलो, रोड खत्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा नहीं मालूम था हमें, हाँ नहीं सही जा रहे हैं। ये तीन तीन जगह ऐसा लग रहा है ना कि भूतिया फिल्म वाला हो रहा है ना ऐसा सीन, कोई दिख नहीं रहा है, हम लोग चलते जा रहे हैं। भैया गरौठा जाना था, गरौठा हाँ, ये रोड नहीं छोड़ना सीधा, हाँ ये रोड ही छोड़ना बिल्कुल ठीक, चलो गरौठा। यहाँ पे काफी सारे जानवर, तो गाइस 8:30 बज रहा है, और अब जाकर के हम लोग गांव में पहुंचे हैं। सबसे पहले बताएं आप कैसे हैं? अब हाँ ठीक हैं हम, ये बारे में भी सुना है हमने। हाँ, ये भी साथ में रहता है। अच्छा साथ में ही रहते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, अरे वाह। तो मॉर्निंग में हम लोग आते हैं, और हिरन और अंकल जी की कहानी आप लोग को हम बताते हैं कि कितना प्रेम भाव वाला है, बहुत ही प्यारा है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हैं बहुत ही अच्छे हो चुका मॉर्निंग का टाइम, तो फिर हमें निकलना है, हमें
कालिका प्रसाद जी के यहाँ पे, जिनको हाथी पाल के नाम से भी जाना जाता है, कई अनेक अनेक प्रकार के नाम से उनको बोला जाता है। पता करते हैं किस तरीके से हिरण मिला था और उनके दोनों का प्यार का चीज़ें दिखाते हैं, बहुत ही अनोखा वाला। तो मस्त रात में होटल लेकर के रुक गए थे यहीं पे और हम सोच रहे थे मॉर्निंग में वीडियो शूट किया जा रहा है। देख लो आप लोग कमेंट करके बताओ ये कौन सा चौक पड़ता है अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो। फाइनली हम उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। रात में हम आए थे तो अच्छे तरीके से हम वीडियो नहीं कर पाए थे। जी आपका नाम जान सकते हैं? कालका प्रसाद। पत्रकार साहब थे, बहुत ही अनोखा वीडियो उन्होंने बनाया था। मिला था ये आपको वन में जंगल में? अच्छा जंगल में मिला था वो। ये मतलब छोटा था कि इतना ही बड़ा? छोटा था ये, बहुत छोटा था। छोटा था जो प्याटा था, महीना गर्मियों के थे, मार्च का महीना था। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि जानवर को हम घर में ही लेकर के आए और ये आपका अपना बन गया? ये जो है प्याटा तो ज्यादा। अच्छा, गर्मियों के टाइम पानी कहीं आता ना जंगल में, इनको पानी पिलाया, घर पे ले आके पानी पिलाया, पानी पिला के बाद उनको अनाज धर दिया खाने के लिए, उसने खाया, उस दिन के उसने पीछा नहीं छोड़ा। मतलब साथ में ही रहते? साथ ही में रहता है वो। अच्छा, अब जंगल जाएंगे तो जंगल जाएगा वो, दिन भर जंगल में रहेगा। अच्छा, शाम को सुने की मित्रता कुत्ते के साथ भी है? हाँ, कुत्ते के उनके साथ ही मतलब सोता है, उठता बैठता है, उठता बैठता रात में संगे रहता है। आपको नहीं लगता कि ये आपके बेटा बेटी जैसा बन गए? हाँ बन गया। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा, सच बताऊँ तो मैं पहली बार टच किया हूँ हिरण को, और समझिए कि 1500 किलोमीटर हमारे बिहार समस्तीपुर से यहाँ पे पड़ता है लोकेशन। आप सर इतना दूरी पड़ जाता है, हमने सोचा कि जब वीडियो वायरल हुई तो भी सोचे कि आपको कवर करके दिखाया जाए, और अभी एक एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अच्छा, आप अगर इसको पकड़ के रखेंगे, आप दूरी से बुलाएंगे तो ये आ जाएगा? तो ऐसा करते हैं, हम इसको पकड़ते हैं, है ना। इसके बारे में जो है वीडियो में बताया गया था कि दोनों की मित्रता साथ में है, दोनों साथ में उठते बैठते खाते पीते हैं। ये हिरण है, काफी वायरल है। देखिए आप जरा बुलाना इनको, चले जाएंगे उनके पास में। देखना हिरण और इंसान की मित्रता, ये देखिए ये भाग गया, भाग गया, अंधे भाग। और सबसे बड़ी बात है ना कि हिरण का जो है नाम राजा बाबू है और मेरा भी नाम राजा बाबू है, आपने वीडियो में देखा होगा, दोनों का सेम ही सेम नाम है। अच्छा, आप जहाँ जहाँ जाते हो ये आपके पीछे पीछे ही जाता है? कहीं भी अरे वाह। अच्छा, वन विभाग में आप जब जाते हैं ड्यूटी पे तो ये आपके साथ पूरा दिन रहता है? पूरा दिन जंगल में रहता है छोटा। अच्छा, क्योंकि छोटे छोटे बाबू लोग, बच्चे लोग उनके साथ एकदम घुल मिल के रहता है और इन्होंने बचपन से पढ़ा। एक जो हमारे भैया थे सारस और आरी भैया वाली, वही वाली सेम टू सेम प्रेम कहानी है। वाग वाले आए और इनको अगर जबरदस्ती आपसे छीन कर ले जाए तो क्या कीजिएगा? ऐसा है, वन विभाग में हम लोग हैं। हाँ। अगर हमारे स्टाफ की आती है वे कहेंगे कि नहीं हमको चाहिए। हाँ। तो हम दे देंगे, नहीं आप पालो। सही बात है ये, लेकिन अगर आपके बगैर रह नहीं पाएगा तो फिर कैसे होगा फिर? क्या बात है। ये थोड़ा थोड़ा करीब मिलाओ। ये देखिए मित्रता, ये हिरण और इंसान का मित्रता, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। एक ये गांव में ही देखने को मिलता है। ये देखिए किस तरीके से इनके जो है सीने के ऊपर ये चढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि छोटा बच्चा है, आपसे प्यार मांग रहा है, प्यार मांग रहा है ना। सच अगर दो दिन इससे आपको बिछड़ के अगर कोई पकड़ के इसको ले जाए लग जाए तो आप इसके बगैर रह पाएंगे? नहीं, हम दो चार दिन तो नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, धीरे धीरे अपना बन जाएगा हिसाब किताब, क्या करें। लेकिन ऐसा है तो पाला पोसा है तो वो। अरे वाह। और देखिए ये साथ में, देखिए कुत्ता भी जो इनके साथ में, ये देखिए सच में जानवर सच में वफादार होते हैं। ये देखिए अजय भैया से फ्रेंडली हो गया, ये देखिए इंसान के साथ में देखिए कितना फ्रेंडली होता है, ये देखिए। अरे वाह। हाँ, इंसान के साथ रह रहे कि मतलब हम्बल हो गया पूरा, इंसान के साथ मिल गया है, ये बताइए। इसके लिए हमने पूरे रात मेहनत करी कि हमें मिल के आना है। एक ऐसे छोटा बच्चा नहीं, जो देखिए कालका प्रसाद जी हिरण को बिस्किट खिला रहे, देखिए बड़े प्यार से, ये देखिए। सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई कि भैया आपका नाम जान सकते हैं? मैयादीन नाम है मेरा। अच्छा, आपने हमारी वीडियो देखी जी। और हमारा गांव का नाम लिया, बड़ा अच्छा लगा, बिहार समस्तीपुर से। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि कहीं ना कहीं हमें लोग देखने वाले हैं। आई होप आज के ब्लॉग के लिए इतने, और कालका प्रसाद जी आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। ये प्रेम प्रसंग होता है ना एक जानवर इंसान का, देखने वाला एक अलग ही तरीके से दिल से भावना होता है। मैंने जैसे वीडियो देखी, काफ़ी सारी वीडियो वायरल हुआ, तो वीडियो देख करके मैं यहाँ पे, हमने कहा नहीं अपने वीडियो में कवर करना चाहिए, इस चीज़ को दिखाना चाहिए लोग। आज की वीडियो के लिए चैनल पे, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। बिहार समस्तीपुर से दिख रहे पूरा फुल से पूरा आदेश से दिख रहे पूरा फुल से पूरे बगल में इस आई डी जाकर के फॉलो कर लीजिए। अपना कीमती वीडियो निकाल के मेरा वो लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।